मॉनिटर चूज करना एक बहुत ही कंफ्यूजिंग काम है, क्योंकि मॉनिटर आपके पीसी सेटअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पीसी को कंप्लीट करने में। भले ही आप एक गेमर हो, आपको जो है अपने गेमिंग के हिसाब से मॉनिटर चाहिए, या आपको नॉर्मल यूजेज के हिसाब से चाहिए, या प्रोफेशनल यूज के लिए चाहिए, एडिटिंग के लिए या ग्राफिक्स के लिए, 3D के किसी काम के लिए, तो मॉनिटर खरीदने से पहले दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है जो जान लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मान के चलिए आपका पीसी सेटअप अच्छा है और आपका जो है मॉनिटर है वो उतना अच्छा नहीं है, तो आपको वो फील नहीं आ पाएगी, आपका जो एक्सपीरियंस है व्यूइंग एक्सपीरियंस वो उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल ये पीसी सेटअप काफी ज्यादा एडवांस है, उसके साथ में अगर मैं नॉर्मल मॉनिटर ले लेता तो मेरे किसी काम का ही नहीं आता। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो मॉनिटर खरीदने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके का मॉनिटर चाहिए, और उसके बाद में होती है और चीजें। तो यही सारी चीजें दोस्तों हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट मॉनिटर कौन से हैं इंडिया में, ये सारी चीजें तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो ये है कि आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए एक मॉनिटर खरीदने से पहले। क्योंकि इंसान एक बार मॉनिटर खरीद लेता है फिर पैसे दोबारा लगाना अच्छा भी नहीं लगता और कोई लगाता भी नहीं है। तो पहली बार आप ऐसी चॉइस बनाए जो आपको रिग्रेट ना करना पड़े, उस चीज के लिए हम ये वीडियो आपके सामने लेके आ गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, वेलकम बैक टू द प्रोडक्ट बाजार, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अब यहाँ पर भाई सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का मॉनिटर बाय करने का पर्पज क्या है, किस चीज के लिए आप मॉनिटर बाय करना चाहते हो। सबसे पहला हो गया गेमर। अगर मान के चलिए मैं एक गेमर हूं तो गेमिंग के लिए मुझे हाई रिफ्रेश रेट और लो रेस्पॉन्स टाइम वाले मॉनिटर चाहिए, जिससे मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूदिंग हो पाए। दूसरी होती है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल यूज के लिए आपको बेसिकली जैसे कि आपको फोटो एडिट करना है, वीडियो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग या 3D से रिलेटेड कोई आपका काम है, तो आप लोगों को प्रोफेशनल मॉनिटर्स जो है चाहिए होंगे, क्योंकि उनमें आपको बेसिकली रिफ्रेश रेट भी अच्छा मिल जाएगा और जो है हाई कॉन्ट्रास्ट जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि एडिटिंग में बेसिकली कलर कॉन्ट्रास्ट का कलर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब तीसरा हो गया जनरल यूज के लिए, जो मेजोरिटी लोग खरीदते हैं, आप में से भी मेजोरिटी लोग खरीदने वाले हैं। जनरल यूज ये हो जाता है दोस्तों कि आप लोगों को बेसिकली नॉर्मल मॉनिटर की तरह यूज करना है, नॉर्मल गेमिंग भी आपको करनी है, कभी छोटा मोटा एडिटिंग का काम हुआ वो भी कर सकते हो, और अगर आप देखो उसको इधर उधर से साइड अगर आप चेंज करो तो आपको चारों तरफ से दिखे, ये नहीं है कि अगर आप सामने बैठे हो सामने से देखो इधर बैठे हो तो आपको प्रॉपर दिखाई ना दे, ये चीज नहीं होगी। जनरल यूज के लिए मतलब बेसिकली नॉर्मल आपको अच्छा खासा रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, लो रेस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा। अब बेसिकली ये तो था कि आप लोगों को इन तीनों कैटेगरी में से कौन से मॉनिटर परचेज करने, किस टाइप के मॉनिटर खरीदने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मॉनिटर खरीदने से पहले किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है रेजोल्यूशन। हायर द रेजोल्यूशन बेटर द पिक्चर क्वालिटी, जितना ज्यादा जो है रेजोल्यूशन मिलेगा उतनी बेहतरीन तरीके की पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी। वैसे तो मिनिमम आपको 1920x1080 फुल HD पिक्सल्स का मॉनिटर परचेज करना चाहिए, और ये कंपेटेबल है 22 इंच के मॉनिटर के लिए। अगर 22 इंच से ऊपर जाते हो तो आपको 4K या ज्यादा हायर जो है रेजोल्यूशन के मॉनिटर परचेज करने पड़ेंगे। अब दूसरी चीज हो गई पिक्सल, जैसे कि मैंने आपको बताया पिक्सल का मैटर करता है, जितनी ज्यादा पिक्सल डेंसिटी आपको मॉनिटर में मिलेगी उतनी ही क्लियर आपको क्वालिटी मिलेगी। मान के चलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को आप जूम करोगे, जितना ज्यादा जूम करोगे उतनी ज्यादा इसकी क्वालिटी घटती चली जाएगी, तो ये चीज ना हो, उसके लिए आपको अच्छी पिक्सल डेंसिटी के मॉनिटर परचेज करने चाहिए। एंड डोंट वरी गाइस, इंडिया में जो भी बेस्ट मॉनिटर है अभी हर एक तरीके से, उन सभी का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मॉनिटर खरीदने से पहले आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कोई भी गलत फैसला ले या बाद में रिग्रेट करें। अब तीसरे नंबर पर आता है रिफ्रेश रेट। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना बेटर होगा। रिफ्रेश रेट बेसिकली होता क्या है, आपका मॉनिटर एक सेकंड में कितनी इमेज प्रोजेक्ट करता है उस चीज को हर्ट्ज में नापा जाता है। बेसिकली जैसे बोलते हैं 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मतलब आपका मॉनिटर एक सेकंड में 60 इमेज प्रोजेक्ट कर सकता है। अब जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट आपको मिलेगी उतना ज्यादा मॉनिटर आपका अच्छा होगा। अगर आप गेमर हो तो आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट का मॉनिटर चाहिएगा, जैसे मान के चलो 140 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट चाहिए तो आपका मॉनिटर एक सेकंड में 144 या 140 इमेज प्रोजेक्ट करेगा। तो ये चीज होती है रिफ्रेश रेट। अब चौथा नंबर आ गया भाई रेस्पॉन्स टाइम। अब यहाँ पर आप अगर गेमर हो और गेमिंग के लिए मॉनिटर लेना चाहते हो तो ही ये पॉइंट आपके लिए काम का है। यहाँ पर क्या है कि जितना रेस्पॉन्स टाइम कम होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, बेसिकली आपके मॉनिटर को एक कलर स्टेट से दूसरे कलर स्टेट में चेंज होने में
कितना टाइम लगता है उस चीज को कहा जाता है रेस्पॉन्स टाइम। अगर मान के चलिए आपको बेसिकली 5 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपका मॉनिटर एक कलर स्टेट से दूसरी कलर स्टेट में चेंज होने में 5 मिलीसेकंड लेता है। अब एक और मेजर चीज आती है कंसिडर करने वाली दोस्तों, और वो होती है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो कितना चाहिए आपको अपने मॉनिटर का। जैसे कि मान के चलिए ये मॉनिटर है, इसमें आपको मिलता है 16:9 का एस्पेक्ट रेशो, जो कि नॉर्मल एस्पेक्ट रेशो होता है जो हमें अपनी टीवीज में मिलता है, जिसको यूट्यूब भी सपोर्ट करता है, बहुत सारी ऐप सपोर्ट करती है। दूसरा होता है 21:9, ये होता है बेसिकली अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स के लिए। जिन लोगों का प्रोफेशनल काम होता है, एडिटिंग वगैरह का काम होता है, तो उनको ये अल्ट्रा वाइड मॉनिटर होते हैं जिनसे उनको स्पेस जो है थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, तो वो अच्छे से उस चीज को यूटिलाइज कर पाते हैं। बट बेसिकली 16:9 का जो है एस्पेक्ट रेशियो वो बेस्ट होता है, और ऑप्टिमल यूज के लिए सबसे बेस्ट भी रहता है। क्योंकि मैं खुद भी एडिटिंग वगैरह करता हूँ, बहुत सारे ग्राफिक्स के काम जो है हमारे होते हैं, तो भी हमें 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो का हमने मॉनिटर लिया हुआ है। आगे अगर हमें अल्ट्रा वाइड जो है मॉनिटर चाहिएगा तो हम इसमें एक और मॉनिटर ऐड करके आपस में उनको अटैच कर लेंगे, तो जो है हमारा अच्छे से काम चल जाएगा। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड मॉनिटर चाहिए तो बेस्ट अल्ट्रा वाइड मॉनिटर इन इंडिया के लिंक भी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बेसिकली मॉनिटर्स होते हैं ये, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है भाइयों पैनल, क्योंकि पैनल के अकॉर्डिंग इनमें सारी चीजें फिट होती है, सारे काम जो है उसी पे होते हैं। और 3 तरीके के पैनल्स आते हैं, और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो सबसे पहला पैनल आता है वो यहाँ पर आता है TN पैनल, मतलब ट्विस्टेड नेमेटिक पैनल। जो दूसरा पैनल आता है वो है VA पैनल, मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट पैनल। और जो तीसरा पैनल आता है वो आता है भाई IPS पैनल, मतलब बेसिकली इन प्लेन स्विचिंग पैनल। अब ये क्या होता है, सबसे पहले TN पैनल की बात करें तो TN पैनल दोस्तों बेसिकली सबसे बेस्ट होते हैं गेमर्स के लिए, क्योंकि इनमें आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेश रेट मिलता है और जो रेस्पॉन्स टाइम है वो भी कम मिलता है। लेकिन वहीं पर साथ साथ में आपको जो है इसमें इमेज क्वालिटी वो उतनी बेहतर नहीं मिलती जो आपको VA या IPS जो है डिस्प्ले में मिलेगी, उतनी बेहतर क्वालिटी नहीं मिलती है। और अगर आप साइड से देख रहे हो डिस्प्ले को तो भी आपको इतना अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ गेमर्स के लिए होते हैं, क्योंकि उनको हाइयर रिफ्रेश रेट चाहिए होते हैं, लोअर रेस्पॉन्स टाइम चाहिए होता है। अब दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट पैनल, मतलब VA पैनल्स। एज कम्पेयर टू IPS मॉनिटर और TN मॉनिटर्स, VA मॉनिटर्स हैज द बेस्ट कॉन्ट्रास्ट, इनमें सबसे बेस्ट जो है आपको कॉन्ट्रास्ट मिलता है। तो अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो और आपको बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस भी चाहिए, वीडियो क्वालिटी का व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप जो है VA पैनल को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली आपको दोनों तरीके से काम करेगा, मतलब आपकी नॉर्मल 2-3 घंटे की गेमिंग भी है और आप और भी सारे काम करते हो मतलब मेरी तरह, तो आप VA पैनल्स भी ले सकते हो। अब तीसरा भाई यहाँ पर आता है IPS पैनल। IPS पैनल का रेस्पॉन्स टाइम होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो कलर ऑप्शंस हैं वो भी आपको VA पैनल से ज्यादा मिलते हैं। तो बेसिकली अगर आपका प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का या कोई इस तरीके का काम है तो आप IPS पैनल के मॉनिटर्स को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर हम IPS पैनल ले तो भी क्या हम जो है गेमिंग एक्सपीरियंस वगैरह यूज कर सकते हैं अच्छे से, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल जो IPS पैनल की डिस्प्लेज आ रही है ना उनमें आपको मतलब 4 मिलीसेकंड तक का रेस्पॉन्स टाइम मिल रहा है, और अप टू 140 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। मतलब आप IPS पैनल के मॉनिटर्स में, IPS डिस्प्ले के मॉनिटर्स में सारे काम कर सकते हो। ओवरऑल IPS मॉनिटर जो है डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो अपने किसी भी यूज के लिए। सबसे पहले TN पैनल्स, दूसरा VA पैनल्स, और तीसरा IPS डिस्प्ले वाले जो है मॉनिटर्स, तीनों के जो है लिंक में बेस्ट बेस्ट मॉनिटर जो होंगे सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे गेमर्स के लिए एक स्पेशल चीज आती है कि भाई कितने रेजोल्यूशन उन लोगों को चाहिए। तो गेमर्स का है तो ऑब्वियसली आपको हाई रेजोल्यूशन मिलते हैं ज्यादातर गेम में, PUBG हो गया, फ्री फायर हो गया, या GTA 5 हो गया, कुछ भी हो गया। तो यहाँ पर आपको मॉनिटर लेने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है आपका ग्राफिक कार्ड भी करता है, क्योंकि उसको उतने ज्यादा पिक्सल, उतना रिफ्रेश रेट सपोर्ट करना चाहिए गेम के हिसाब से, ताकि आपके मॉनिटर के साथ में उसकी रिफ्रेश रेट जो है कंबाइन हो और आपको जो है अच्छा स्मूथिंग जो है व्यूइंग एक्सपीरियंस मिले। अब ज्यादातर जो वीडियो इंटरफेसेस है भाई 4K से ज्यादा जो है वीडियो क्वालिटी सपोर्ट नहीं करते हैं। फिलहाल के टाइम पे आपको QHD ऑप्शंस मिल जाते हैं मार्केट में काफी अच्छे अच्छे 2560x1440 रेजोल्यूशन के, जो आपको काफी अच्छा जो है व्यूइंग एक्सपीरियंस देते हैं विद साइज ऑफ अप टू 32 इंचेस। बट अगर आपको 4K में गेमिंग करनी है तो यू विल स्टिल नीड ए वेरी एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड। और अगर ऐसे भी आपको मॉनिटर चाहिए हो जो कॉस्टली हो, जो आपकी हैवी गेमिंग के लिए काम हो, अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी हो और आप कोई अच्छा मॉनिटर कंसीडर करना चाहते हैं, तो उसके भी लिंक जो है मैं नीचे एक दो अच्छे अच्छे मॉनिटर्स के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन ज्यादातर लोग पुट आउट भी नहीं करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मुझे कहीं ऐसा खास मिला नहीं। तो बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स हैं, मैंने कोरा पे पढ़ा है, अमेज़न पे पढ़े हैं, तो ये लिखा हुआ था वहाँ पर, लोग ये बहुत ज्यादा पूछते हैं कि क्या हमें
जी सिंक या फ्री सिंक वाले मॉनिटर लेने चाहिए। अब जी सिंक क्या होता है और फ्री सिंक क्या होता है? बेसिकली जो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उनके लिए तो आता है जी सिंक, और जो एएमडी के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उनके लिए आता है फ्री सिंक। ये जो जी सिंक फ्री सिंक है ये क्या करते हैं, आपके ग्राफिक कार्ड से आपके मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट है उसको मैच करते हैं, ताकि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस या कुछ भी आप कर रहे हो व्हाटएवर इट इज, उसमें आपको काफी स्मूथ और काफी अच्छा एक्सपीरियंस फील हो सके। तो अगर आपका एनवीडिया का अगर ग्राफिक कार्ड है तो आप अगर चाहते हैं, अगर आपका काफी हाई एंड जो है ग्राफिक कार्ड है और आपको हाई एंड मॉनिटर चाहिए तो हाँ आप डेफिनेटली जी सिंक को कंसीडर करते हैं, सेम विद द फ्री सिंक अगर आपका एएमडी ग्राफिक कार्ड है तो। अब बात करते हैं कौन कौन से सबसे बेस्ट मॉनिटर हैं इंडिया में फिलहाल के टाइम पे इन सभी कैटेगरी में, टीएन कैटेगरी में, वीए कैटेगरी में और आईपीएस डिस्प्ले कैटेगरी में, प्लस गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट और बेस्ट इन बजट मॉनिटर्स कौन से हैं। तो दोस्तों इन सभी मॉनिटर्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसी वीडियो में अगर मैं ये सारी चीजें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, कभी और इस चीज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों दो चीज बचती है, एक तो बचती है कर्व मॉनिटर्स, आजकल कर्व मॉनिटर्स भी आते हैं, और एक होते हैं अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र भी किया था। इनके ऊपर भी अगर आपको कभी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो ये आप ही का चैनल है, अपने चैनल पे कमेंट कर दो, उस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेके आ जाऊंगा दोस्तों। और ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आने का कारण ये था क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों के खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हम लोग आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और वीडियो में दोस्तों। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहीं पे दिख रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रोडक्ट बाजार।